गाइस हमारी गाड़ी का हम आज बदलवा रहे हैं। क्लच वायर, लिया 238 रुपये MRP इसकी। क्लच वायर चेंज हो रहा है हमारी गाड़ी का आज, अपनी गाड़ी का। ये खड़ी हुई अपनी गाड़ी, इसको निकाल लें। क्लच वायर चेंज हो रहा है इसका। ये पुराना वाला है, ये नया। बराबर है, इसमें एक दिक्कत हो गई है, वायर नहीं दिख रहा है। पूरी गाड़ी खुल गई है अभी। हाँ डालो डालो, आया बस। फाइनली बड़ी मशक्कत के बाद हमारा वायर बाहर आ चुका है। बहुत मशक्कत करी, टंकी को उठाने की कोशिश करी लेकिन टंकी को निकाला नहीं था। फाइनली वायर आ चुका है। ऑयल मोल नहीं डल रही है। We'll be right back.
फाइनली हमारा क्लच बाहर डल चुका है, बहुत अच्छे से डल चुका है। सो गाइस फाइनली मेरा क्लच वायर डल चुका है, स्मूथ हो गया क्लच, बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो गया, एकदम ऐसा हो गया समझो कि नई गाड़ी का चिल्ला रहे हैं गाड़ी क्लच, मेरी गाड़ी का क्लच इतना ज्यादा स्मूथ हो गया जैसे नई गाड़ी का होता ना, वैसे ही वैसे हो चुका है। आपको दिखा दूं गाड़ी अपने जानो, उससे क्लच वायर अपने चेंज करवा दिया, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुका है, तो एक उंगली दब जाएगा आराम से, बहुत स्मूथ हो चुका है, ये देखो बहुत ही स्मूथ, एकदम ऐसा लग रहा है कि टूट जाएगा इतना स्मूथ हो गया। सो गाइस फाइनली क्लच वायर डल चुका है और ये ब्लॉग काफ़ी छोटा है, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और हाँ, आप क्लच वायर डलवाओगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, तो गाड़ी का जो वायर है ना वो जा नहीं पाता है, तो टंकी वंकी इसने पूरी खोल दी थी मेरी, तो उसके तो फिर वहाँ से मेरा वायर आया था, उसमें लगे था टाइम, तो टाइम लगेगा, पैसा भी थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा आपका, थोड़ा टाइम लेकर जाना, अगर आप जाओ तो थोड़ा सा देर लगेगी क्योंकि क्लच वायर, आप सोचोगे कि यार क्लच वायर को डलवाना बहुत जल्दी डल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्लच वायर डलने में थोड़ा टाइम लगता है। सो फाइनली गाड़ी डल चुका है क्लच वायर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे पॉजिटिव, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें एंड चैनल सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि हम कोई भी डाल उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे पॉजिटिव।